हेलो, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सबकी दाढ़ियाँ बढ़ गई हैं, मेरी भी बढ़ गई है। बहुत सी नेगेटिविटी है कोरोना की वजह से माहौल में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि टाइम पास कैसे किया जाए, क्या पढ़ा जाए। फिल्म देख के भी बोर हो गए, लिखते लिखते भी थक गए, किताबें पढ़ के भी थक गए। ये टाइम पास का तो नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छा हुई कुछ लिखने की, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इस बीमारी को लेके ही है। कोई कविता नहीं है, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ। जो मुझे मन में समझ में आया वो मैंने लिखा है, उसको बस बोलने की कोशिश है। हमें तो अपने लोगों ने ही किया पॉजिटिव, हमें तो अपने लोगों ने ही किया पॉजिटिव। कोरोना में कहाँ दम था, ज्यादा पॉजिटिव वहीं मिले जहां धार्मिक कट्टरपन था। किसी को अल्लाह बचा रहा था, किसी को भगवान बचा रहा था, किसी को अल्लाह बचा रहा था, किसी को भगवान बचा रहा था। थूक रहे थे उन भगवान और अल्लाह के रूपों पर, थूक रहे थे उन भगवान और अल्लाह के रूपों पर, जो इंसान इस भीषण समय में इंसान को बचा रहा था। अगर अब भी नहीं संभले तो ये भयंकर रूप धारण कर जाएगा। फिर देखते हैं इससे कौन सा भगवान या अल्लाह बचाएगा। एक इंसान को फिर से मसीहा बनाकर भेजा है उस अल्लाह या भगवान ने। एक इंसान को फिर से मसीहा बनाकर भेजा है उस अल्लाह या भगवान ने। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने तभी तो तुलना कर दी संजीवनी लाने वाले हनुमान से। उसकी बात मान लो। इंसान को जो विवेक दिया है उसका इस्तेमाल करो। ज्यादा संघर्ष या युद्ध नहीं करना है, ज्यादा संघर्ष या युद्ध नहीं करना है। बस घर में विश्राम करो, बस घर में विश्राम करो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, सेफ रहिए। कोरोना के बारे में आप सबको सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो बिल्कुल भी मत कीजिए, बाहर मत घूमिए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आप खुद पॉजिटिव हों और बाकी के मिलने वालों को भी आप तकलीफ में डालें। प्लीज अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।